ग्राम पंचायत रमिया बेहड़ में आवास के नाम पर हो रही अवैध वसूली। विकासखंड रमिया बेहड़ की ग्राम पंचायत रमिया बेहड़ में प्रधान के चमचे सत्ताम के द्वारा प्रधानमंत्री आवास के नाम पर 20,000 रुपए की अवैध वसूली की जा रही है। गरीब आवास लाभार्थियों के आवास अधूरे पड़े हैं, इसमें प्रधान प्रतिनिधि का साफ भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। विकास के नाम पर हो रही अवैध वसूली जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा जाँच की जाए तो इस तरह के कई और मामले उजागर होंगे। जिम्मेदार अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। अब आगे देखना यह है कि विकासखंड अधिकारी क्या कार्यवाही करते हैं। बहोरी लाल, कहाँ रहते हो? रमिया में है। ग्राम पंचायत रमिया भी है। ब्लाक रमिया में। प्रधान कौन है? मुन्नी देवी। ये आवास आपका बना है? हाँ, हमारा। कितने दिन पहले बना था ये? पिछले साल बना था, हो गए एक साल हो गया। कितना पैसा मिला था आपको? 1,20,000। 20,000 तो ये कम्प्लीट नहीं पूरा है? तो कम्प्लीट का पूरा पैसा नहीं है तो कहाँ से कम्प्लीट होगा? कितना पैसा लिया गया था? हमारे से 20,000 लिए थे। किसने लिया था? वही सद्दाम ने दिया था। सद्दाम प्रधान के कौन है प्रतिनिधि? सद्दाम लिया और BTC बोहरीलाल लिया था। BTC भी लिया। उन्होंने कितना लिया था? वही लिया था 20,000। 20,000। तो आपने कहा नहीं हमारा बन नहीं पाएगा। हमारा बन गया उतना बन गया। अच्छा, आपका नरेगा और लेबरी और प्लास्टर का पैसा निकला? लेबरी का हाँ वो तो निकला है। कितना? वो कितना? 15,000 रुपये निकला था बस। अच्छा, उसमें पंचायत मित्र तो कुछ? अब ये तो हम नहीं जान सकते, जितना हमको मिला उतना हम जानते हैं। अच्छा।